हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मसल ब्लेज। दिस इज जीत सलाल, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। जितनी भी चीजें होती हैं वे प्रोटीन से रिलेटेड, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले तो ये समझिए कि भाई वे प्रोटीन को समझने से पहले हमें प्रोटीन समझना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। वी हैव 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स और तीसरा होता है फैट्स। अब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ वे प्रोटीन से ही नहीं बल्कि होल फूड्स जैसे कि चिकन, एग्स, दूध, दही, पनीर, इस तरीके के फूड सोर्सेज, दाल से भी हमें मिलता है। नाउ बॉडी जो होती है हमारी, ह्यूमन बॉडी, उसको ये पता नहीं होता कि वो वे प्रोटीन खा रही है या चिकन खा रही है या एग्स खा रही है। बॉडी के अंदर जब ये न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, फूड जाते हैं, तो वो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स में। नाउ प्रोटीन में जब ये यू नो बॉडी के अंदर पहुंचता है प्रोटीन, तो वो डिवाइड हो जाता है आपका अमीनो एसिड्स में। सो जो भी आपका प्रोटीन का सोर्स है बॉडी के अंदर, जब वो जाता है तो अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो एसिड्स में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नाउ एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इसीलिए हमें फूड से उसे लेना पड़ता है। वहीं अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है और उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी खुद से पूरी कर लेती है। अब जब बात आती है वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन भी एक तरीके का प्रोटीन यानी कि जो बॉडी को चाहिए वही होता है, कोई दूसरी चीज नहीं होती। अब वे प्रोटीन जो है वो आपका मिल्क से बनता है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। जब दूध से चीज, पनीर या फिर यू नो बटर जैसी चीजें बनती हैं तो उससे वे लिक्विड निकलता है और वे लिक्विड फर्दर प्रोसेस करके उसको ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और वही फिर कंपनीज अपने अपने ब्लेंड फॉर्मूला के हिसाब से, अपने यू नो टेस्टेड तरीके के हिसाब से उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक है, सो वे प्रोटीन जो है आपका दूध से बनता है। नाउ अब जब हम वे प्रोटीन को समझ गए हैं, प्रोटीन को भी समझ गए हैं, तो ये समझिए कि ये प्रोटीन लेना क्यों जरूरी है, चाहे वे प्रोटीन से लिया जाए चाहे किसी भी सोर्स से लिया जाए। प्रोटीन इसीलिए हमें चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन आता है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जब बात हो रही है तो किस चीज की हो रही है? आपके मसल की, आपके ब्रेन फंक्शनिंग की, आपकी जो इंटरनल फंक्शन है उसमें बहुत सारे काम करते हुए दिन भर आपकी बॉडी जो होती है फटीग होती है, मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, उसको रिपेयर करना पड़ता है रेगुलर बेसिस में। उसके लिए हमें डाइट में प्रोटीन चाहिए होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। साथ ही साथ आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मसल्स हैं वो ग्रो भी करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए। इसके साथ साथ प्रोटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हार्मोन्स का फंक्शन। हार्मोन बहुत सारे आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट हार्मोन की बात करता हूं मैं, इंसुलिन एंड सीक्रेटिन। अब इंसुलिन इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपके एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। ग्लूकोज नाम की जो चीज आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, उसको आपके एक्टिव साइट्स तक पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाना एनर्जी के लिए, ये इंसुलिन करता है। और ये इंसुलिन कौन बनाता है? प्रोटीन की वजह से आपका इंसुलिन बनता है। तो इसी तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स जो है उनका क्रिएशन जो है प्रोटीन पे डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ एंजाइम्स जो होते हैं वो भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं। आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, चाहे वो किसी भी फूड का ब्रेकडाउन हो या कोई भी केमिकल प्रोसेस, उसमें एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, यानी कि उस केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन सही तरीके से हो पाता है एंजाइम्स की मदद से, कोई भी चीज टूट पाती है, ब्रेक हो पाती है, राइट, डाइजेस्ट हो पाती है। सो इसीलिए एंजाइम्स जो है ये भी प्रोटीन से ही बनते हैं, जैसे कि सुक्रेज हो गया, लाइपेज हो गया, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जो हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन से बनते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जो आपकी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, बीमार करने वाले, इलनेस फैलाने वाले बॉडी के अंदर, उनको ये बैक्टीरियाज को किल करने के लिए एंटीबॉडीज को तैयार करता है। सो प्रोटीन ऑल इन ऑल अगर मैं कहूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है और कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है, राइट? क्योंकि जब आप बॉडी में मसल देखते हैं तो ये एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी ही होती है। सो मसल किससे बन रहा है? प्रोटीन से। और मसल एक तरीके से आपकी स्टोर्ड एनर्जी है आपके बॉडी के लिए। नाउ इतनी सारी फंक्शन होने के बाद जब हमें प्रोटीन की वैल्यू पता चल गई है तो अब प्रोटीन क्यों जरूरी है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस में।
अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं डेली बेसिस में अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, अपने मसल मास के हिसाब से मुझे कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होती है। अब ये रिक्वायरमेंट जो है ये वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि हर इंसान का एक्टिविटी लेवल, लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, राइट। अब मेरी बात करें तो मैं एक एक्टिव इंसान हूं जो ट्रेनिंग करता हूं, जिम करता हूं, मसल मास कैरी करता हूं, तो मेरी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल इंसान से, आम इंसान से ज्यादा होगी, राइट। उसकी होगी लेकिन थोड़ी मुझसे कम होगी, या मेरे से बड़ा कोई अगर बॉडी बिल्डर है, ज्यादा मसल मास कैरी करता है, ज्यादा एक्टिव है मुझसे ज्यादा, तो उसकी रिक्वायरमेंट मुझसे भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट सभी को होती है, सभी को पूरी करनी होती है। अब अगर एवरेज नंबर हम इसका कहें तो ये रिक्वायरमेंट वेरी करती है 0.6 ग्राम से लेकर 1 ग्राम, 1.2 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो। और अगर आप नहीं करते हैं ट्रेनिंग, फिर भी आपकी बॉडी में मसल तो होता ही है, ऑर्गन्स तो होते ही हैं, एंजाइम्स तो बनते ही हैं, आपके यू नो हार्मोन्स तो बनते ही हैं, तो उनके मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। Now, अब समझते हैं हम वे प्रोटीन क्यों चाहिए हमें। बहुत सारे लोग जब फूड कंज्यूम करते हैं होल फूड्स, तो फूड सोर्सेज से उन्हें आइसोलेटेड प्रोटीन नहीं मिल पाता, यानी कि कोई आप फूड खाओगे ना उसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ फैट भी मिल जाएगी। जैसे पनीर खाओगे तो उसमें फैट भी मिलेगी, दूध पियोगे तो उसमें फैट कार्ब्स दोनों मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेगा। दाल खाओगे तो उसमें आपको थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, उसका ट्रिपल आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। चिकन खाओगे तो उसमें थोड़ा सा फैट मिलेगी, थोड़ा सा उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, राइट। तो हर फूड में आपको आइसोलेटेड प्रोटीन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहीं पे वे प्रोटीन आपको एक आइसोलेटेड फॉर्म में, यानी कि ज्यादा अमाउंट में आपको प्रोटीन देता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, और कम अमाउंट में, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देता है, जिसकी आपको वैसे जरूरत नहीं है अगर आप प्रोटीन को ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज, फास्टर एब्जॉर्प्शन। अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो ये बेटर एब्जॉर्ब होता है, फास्ट एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि बना ही इसीलिए है ये आपके पोस्ट वर्कआउट मील में, जब आपको जल्दी डाइजेशन आपका प्रोटीन का होके आपके सिस्टम पे एब्जॉर्ब होके आपके सिस्टम में अमीनो एसिड्स पहुंचे, इसीलिए पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज आती है हायर प्रोफाइल ऑफ अमीनो एसिड्स। जो हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात कर रहे थे, EEAs की, तो ये वे प्रोटीन में सबसे ज्यादा होता है, सबसे हाई होता है इसका प्रोफाइल इन कंपैरिजन टू दी अदर फूड सोर्सेज, चाहे आप एग्स, चिकन या फिर पनीर, दूध, दही, इससे कंपेयर करें तो। सो हाईएस्ट प्रोफाइल जो होती है आपकी, वे प्रोटीन की मानी गई है। अब एक और चीज आपको वे प्रोटीन हेल्प करता है कि आपकी ओवरऑल जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, उसका एक बहुत बड़ा चंक आपका वे प्रोटीन से पूरा करने में वो हेल्प करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आप एक स्कूप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो लगभग 24-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको सिर्फ एक स्कूप में मिल जाता है। Also, it's light on stomach, मतलब आपका स्टमक हैवी नहीं करता, आपको अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द फूड सोर्स आपका वे प्रोटीन बन जाता है। इसी के साथ साथ जो ये वे प्रोटीन है आपका, इट्स बेस्ट फॉर पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इट्स लाइट ऑन स्टमक, यू गेट मोर प्रोटीन इन स्मॉल अमाउंट, आपका लाइट स्टमक रहता है, प्लस एब्जॉर्प्शन रेट जल्दी रहता है, बॉडी में जल्दी पहुंचता है, तो ये बेनिफिट्स आपको वे प्रोटीन से मिलते हैं। नाउ अगर हम स्पेसिफिक मसल ब्लेस की बात करें तो मसल ब्लेस का जो ये बायोजाइन परफॉर्मेंस वे है, इसकी खास बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि करेंटली आई एम यूजिंग दिस, इवन दो इट्स अ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, बट कभी कभार मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड इट्स वेरी गुड। नाउ क्यों है ये गुड? सबसे पहली चीज तो इसको वन स्कूप में अगर आप देखें तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होते हुए भी इट्स 25 ग्राम्स आपको वन स्कूप में मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा बहुत कार्ब्स, आपको फैट्स मिलते हैं, विच इज नेग्लिजिबल। बात रही EEAs की, अमीनो एसिड्स की, तो इसमें नेचुरली अकरिंग एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। नाउ इसके साथ साथ मसल ब्लेस की जो क्लिनिकल रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जो बायोजाइम आपका वे है, परफॉर्मेंस सीरीज हो चाहे दूसरा प्रोडक्ट हो बायोजाइम, इसका जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो 50% हायर है। साथ ही साथ जो BCAA है उसका 60% सुपीरियर एब्जॉर्प्शन है। इसके साथ साथ जब आप बायोजाइम परफॉर्मेंस वे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, और जो क्वालिटी आपको मिल रही है इसमें, यू नो, जिस तरीके से बना गया है क्लिनिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो ये आपके सिस्टम में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, बेटर एब्जॉर्ब होता है। इसी के साथ साथ बायोजाइम वे जो है मसल ब्लेस का, ये पहला इंडियन स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है जो सर्टिफाइड है एक्यूरेसी और प्योरिटी के लिए बाय लैबडॉर USA, और ये एक बड़ी बात है दैट यू नो अ थर्ड पार्टी यू नो टेस्टिंग कंपनी इज सर्टिफाइंग
मसल ब्लेज बायोजाइन। तो ये एक अच्छी बात है, एक आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ लेबल में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की जाती हैं। नाउ एक पॉइंट निकल के यहाँ पे आता है कि क्या किसी ऐसे इंसान को जो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता, ज़्यादा हार्डकोर जिम नहीं करता, क्या उसे वे प्रोटीन लेना चाहिए? तो यस ऑफ कोर्स, वे प्रोटीन घुमा फिरा के जब हम बात करते हैं तो वो है तो प्रोटीन ही। अगर अपनी रिक्वायरमेंट आप नॉर्मल चिकन एग्स दूध दही होल फूड से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या आपको एक थोड़ा सा ऐसा ऑप्शन चाहिए जो थोड़ा इजी टू कुक हो, इजी टू डाइजेस्ट हो, एब्जॉर्ब हो, तो आप वे प्रोटीन भले ही आप हार्डकोर जिम नहीं करते हैं तब भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और हार्डकोर जिम गोअर्स के लिए तो डेफिनेटली है ही, अगर आप लाइटली एक्टिव भी हैं तब भी आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंडली, काफ़ी सारे फीमेल्स को ये डाउट रहता है कि अगर वो वे प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो वो बल्की हो जाएंगे, मैस्कुलिन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वे प्रोटीन इज जस्ट अ प्रोटीन। आपकी बॉडी में भी मसल्स होते हैं, आपकी बॉडी में भी ऑर्गन्स होते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी होती है। अब जब चाहे आप वो दूध से लें, दही से लें, चिकन से लें, एग से लें, या फिर वे प्रोटीन से लें, इट डजंट रियली मैटर। ऑफ कोर्स आपको अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसको फॉलो करना जरूरी होता है और उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है अपने एक्टिविटी लेवल, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन वे प्रोटीन के बारे में। आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा कि भाई वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज, मसल ब्लेज बायोजाइन परफॉर्मेंस वे को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं लेकिन मेरे पास जो है वो चॉकलेट हेजलनट है, आई एम क्वाइट लाइकिंग इट। सो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो गिव इट अ ट्राई, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो भी कंफ्यूजन है आपको, कुछ और क्वेश्चंस पूछने, कुछ और वीडियोस देखने, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड टेक केयर गाइस, सी यू सून, बाय बाय।